मध्य प्रदेश में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में निकाली जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बालाघाट जिले के लामटा पहुंची है, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चल रही जन आक्रोश यात्रा बालाघाट के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की लामटा नगर में पहुंची है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जहां पूर्व की कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, तो वहीं प्रदेश की भाजपा सरकार को घोटालेबाज सरकार बताया है। ग्राम पंचायत में पहुंची है। आप सब ने जिस जोश और उत्साह के साथ कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश यात्रा का जो जन समर्थन किया है, उसके लिए आप सभी का अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जन जन तक जाने के पहुंचने का प्रयास कर रही है। जन आक्रोश यात्रा निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारी विकास यात्रा, विकास पर जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल कर बहुत बड़े बड़े नक्शेदार भाषण दिए हैं। अगर 18 सालों में कुछ नहीं कर पाए, अब चुनाव के समय लोग तो आपने बातें कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जनता के समर्थन में आम जनता की परेशानी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई, इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में अपनी बात कहने के लिए कि अभी तक ये जन आक्रोश यात्रा 175 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। 230 विधानसभा क्षेत्र तक 5 या 6 तारीख तक लगभग सब जगह पूरा हो जाएगा। देखिए, जबरदस्त रिस्पांस है और परसवाड़ा नहीं, हम तो कई विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं। बालाघाट जिले में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, सभी जिलों में हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं। जनता जनार्दन का उससे ज़्यादा उत्साह है और सब कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं। हर कोई चाहते हैं कि कितना जल्दी निर्वाचन आयोग तिथि सुनिश्चित करे, वोटिंग की तिथि सुनिश्चित हो और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करें और इस भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंत करें, इसका विदाई करें। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना 100% तय है और पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जो परेशानियां, जो भ्रष्टाचार, जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसको दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे और प्रदेश की जनता को न्याय देने का काम करेंगे। सर, बड़ी संख्या में देखा गया कि जन आक्रोश यात्रा में कार्यकर्ता बड़े इसमें शामिल हुए, ये किस ओर इशारा है? देखिए, जो कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, जनता शामिल हो रही है, आप सबने देखा होगा जगह जगह हर वर्ग के लोग जन आक्रोश यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ये आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है और जिस तरह से जनसमर्थन मिला है, तो ये मान के चलिए जो हमने कहा कि 100% मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये कोई किराए की भीड़ नहीं थी, ये कोई ढोई हुई भीड़ नहीं थी सरकारी तंत्र, जैसे भाजपा के अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप देखेंगे सारे अधिकारी कर्मचारी भीड़ जुटाने में लगे हैं। पर कांग्रेस की इस यात्रा में पूरी तरह से आम जनता स्वयं से बड़ी आशा भरी निगाह से शामिल हो रही है और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमें महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इनके कुशासन से निजात मिलेगी। किसान उम्मीद कर रहा है कि हमें राहत मिलेगी। सब कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है जिसको भाजपा सरकार ने ठगा नहीं है। लगातार देखा गया कि भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कुंभ कांग्रेस का बढ़ते जा रहा है, तो ये जन आक्रोश है या आक्रोश यात्रा के बाद ये आक्रोश देखा गया? देखिए, जब लगता है, देखो किसी का हाथ तब कोई थामता है जब लगता है कि ये मजबूत है, यहाँ हमें न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वहाँ पे अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, जब देख रहे हैं कि वहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है, जो एक सैद्धांतिक लोग थे, जो किसान, गरीब, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, शिक्षित, बेरोजगारों के साथ लगातार अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, पार्टी के अंदर अगर वो बोलते हैं तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, विपक्ष की आवाज़ की सुनवाई नहीं होती,
तो उन्होंने ये समझा कि नहीं, आज की डेट में अगर न्याय पाना है, न्याय दिलाना है, तो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की है, उससे लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और एक आशा की किरण बनी है कि देश के ये गुंडा राज को, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को ख़त्म करने में लगे हैं, अगर इसको कोई अंत कर सकता है, कोई लड़ सकता है, तो राहुल गांधी जी हमारे जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उनमें लोगों ने की आशा जगी और उसी की वजह से आज हमें भारी जनसमर्थन मिल रहा है और लोगों को विश्वास है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जैसा दो राज्यों में अभी रिजल्ट आया है, और देश में भी जब चुनाव होगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार 100% देश में भी बनने वाली। मुख्य मुद्दे क्या है कांग्रेस के जो 2023 के चुनाव में रहने वाले? देखिए, भ्रष्टाचार, इन्होंने जो घोटाले किए हैं, इन्होंने जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण छीना है, अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अन्याय अत्याचार किए हैं, महिला अत्याचार में मध्यप्रदेश नंबर वन है, बालिका अत्याचार में नंबर वन है, कुपोषण में नंबर वन है, घोटाला राज्य बनाने का जो दर्जा इन्होंने दिया है ये नंबर वन है, पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया है, मध्य प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है, किसानों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, बिजली का बहुत बड़ा विषय है, कांग्रेस सरकार जैसे पहले थी व्यवस्थित करने का काम किया था, फिर हमारी सरकार बनेगी, हमारे बहुत सारे 11 वचन जो गारंटी कमलनाथ जी ने, प्रियंका जी, राहुल जी ने दिए हैं, उसके बारे में आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरह से किसानों की कर्ज माफ़ी फिर शुरू करेंगे, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की करेंगे, आपका 5 हॉर्स पावर तक किसानों का बिजली का बिल नहीं आएगा, पूरी तरह माफ़ रहेगा, ऐसे 11 वचन कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और पंचायतों को भी सशक्तिकरण करेंगे, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करेगी। कांग्रेस ने अभी तक सूची जारी नहीं की है, क्या मान के चले 3 तारीख को पिछले चुनाव में हुआ तो उसको संतुलित नहीं कर पाई कांग्रेस अब तक? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी, अभी 3 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है परसों, हम भी उसमें मेंबर है और पहले भी मीटिंग हो चुकी है, हमारी पूरी तैयारी है, उचित समय पर जारी होगा। अभी कौन सा तिथि आ गई है? अभी कोई निर्वाचन की तिथि आ गई क्या? अभी कोई तिथि नहीं आई ना, तो हम पूरी तैयारी में है और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनने तो रंगा बिल्ला जितने इनके थे, जितने पिटे हुए मोहरे थे, सब उतार दिए। ये तो पूरी तरह से आशंकित है ना, सारा क्या बोलते हैं शस्त्र कब चलाते हैं, सारा शस्त्र तब चलाते हैं जब लगता है कि हमारे पास कोई शस्त्र अब बचा नहीं है। इनका लाडली बहना भी फेल हो गया, मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना भी फेल हो गया, इनका 450 रुपये में लाडली बहना गैस कनेक्शन भी फेल हो गया, आप देख रहे हैं लाडली बहना कितनी उपस्थित थी। तो इनका कोई शस्त्र चल नहीं रहा है, आखिरी शस्त्र इन्होंने पिटे हुए मोहरे यूज किए हैं, ये महंगाई और बेरोजगारी के लिए ये भी तो जिम्मेदार है। GST, नोटबंदी, कोविड में जो देश की खस्ता हाल हुए है, ये सांसद और केंद्रीय मंत्री उसके जिम्मेदार नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में जो घोटाले हुए हैं केंद्रीय नेतृत्व में थे, प्रदेश को आगाह क्यों नहीं किया प्रदेश सरकार को? तो जो प्रदेश की स्थिति बदहाल हुई, देश की स्थिति जो बदहाल हुई, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं, इनको सबको जवाब देना होगा। ये पिटे हुए मोहरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा प्रत्येक प्रत्याशी इतना मजबूत होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिनके साथ जनता होती है, हमारे साथ जन समर्थन है, और जब जन समर्थन होता है तो हमारा प्रत्याशी अपने आप बहुत मजबूत हो जाता है। तो हमारा जो भी प्रत्याशी होगा वो बहुत मजबूत होगा और हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और इनकी जमानतें जब्त होंगी। कितने सवालों, कितनी सीटों का टारगेट? 200 पार, 200 से ज्यादा जीतेंगे, 200 से ज्यादा जीतेंगे। बीजेपी ने जो प्रत्याशी की लिस्ट जारी करी है, 2 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर बड़ा संशय, शिवराज जी भी अपनी जमीन बता। आज जन आक्रोश यात्रा परसवाड़ा में धापेवाड़ा से निकली थी, 12 जगह जन आशीर्वाद, जन हमारे जो आक्रोश का, तो आज रैली का माध्यम से जनता के बीच में जन आक्रोश निकालना था। जनता ने खुल के जन आक्रोश दिखाया और शिवराज सिंह चौहान की विफलता के पूरे उनके जो घोटाले हैं उसका सामना जनता ने बताया और किया, और हमने उनको, हमारे माननीय प्रभारी कमलेश्वर पटेल जी ने उनको सब समझाया बताया कि किस प्रकार से जनता के बीच में छला जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान कर्जे पे कर्जा ले रहा है, एक तरफ आपको 1000 रुपये देता है, दूसरे दिन जाकर कर्ज लेता है। ये तो अपने यही बात हो गई कि जेब से निकाल रहा है वापस कर्जे में दे रहा है। तो इसी प्रकार से वर्तमान मंत्री कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए, कितने प्रकार के कारनामे हुए, उन सबको आज जन आक्रोश के माध्यम से सामने लाया गया। सड़क बनी, विकास हुआ, टूट गई, भ्रष्टाचार हुआ। एक जन समूह का
मधुभगत जी क्या कहते हैं इसमें अपनी विजय? जन समूह का सैलाब, जन आक्रोश था, जनता थी, ये लाई हुई शासन प्रशासन की नहीं थी, ये जनता खुल के आई थी। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता का हुजूम था। मैं बार बार आपसे ना कहता था कि हम कार्यकर्ता के साथ, जनता के आक्रोश के साथ चुनाव को लड़ रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, उनके आशीर्वाद से, और जनता का जो दुख और दर्द है उसके ऊपर हम लोग नितांत आवश्यकता अनुसार उनके साथ हमेशा हाथ में हाथ मिलाकर के हम चल रहे हैं। इसके पहले भी हमने घर से घर चलो वाला किया, फिर उसके बाद भारत छोड़ो यात्रा किया, और उसके बाद अभी घोटाले से इनकी जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता को आग्रह किया कि परसवाड़ा इस बार बाहर के प्रत्याशी रामकिशोर कार्य को किसी प्रकार से नहीं अपनाएगी। निश्चित तौर पे उनकी एक बात पे मुझे बार बार कहना चाहूँगा कि उन्होंने लामटा को शहर बनाने बोला, शहर बनाने से पहले अपना शहर जैसे मकान बना लिया, ये ठगने वाली बात है। झोपड़े में रहते और शहर बनाते फिर अपना मकान बनाते तो जनता विश्वास करती। निश्चित तौर पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या निर्माण कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आश्वासन नहीं देने चाहिए कि 2025 में, 2028 में, 2030 में ये काम नरेंद्र मोदी जी जुमलेबाज हमारे प्रधानमंत्री देश के 15 लाख एक एक के खाते में आएगा और उनका गैस सिलेंडर में 650 रुपये 700 रुपये के हिसाब से हर घर से उन्होंने वसूल लिया, ना कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया। किसान आज परेशान है, बिटियों का आज अत्याचार हो रहा है, साथ में उनके साथ बलात्कार हो रहा है, आदिवासी के ऊपर सरेआम भूता जा रहा है, ये क्या है? छलावे की सरकार, ये छलावे की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार। आज बहुसंख्यक लोगों ने कांग्रेस 600 लोगों ने आज खुल करके ज्वाइनिंग दी, बाकायदा नाम लेकर के हमने बोला, और हमने किसी को गमछा ऐसा बुला के नहीं पहनाया, घर बुला के हमने सरेआम खुल करके सब पहनाया। उसके बाद उन्होंने अपने खुद से अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। क्षेत्र में एक मानकोर नदी है, मानकोर नदी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानकोर नदी वही उनकी आखिरी कील है जो उनको यहाँ से विदा करेगी। और सलंग टोला से भोंडवा, ये चांगोटोला ब्लॉक में कितना भी पैसा बिछा दें, रात की मीटिंग लेकर के कितना भी मुर्गा खिला दें, कितने भी संगठन बना लें, लेकिन जनता पैसों में नहीं आएगी। एक दिन के सुख में नहीं, वो 5 साल का सुख और एक स्वच्छ सभी वाला अपना मुख्यमंत्री की तलाश में है, और एक भ्रष्टाचार से मुक्त जो जनता के साथ सहज सरल हो सके ऐसे विधायक की तलाश में है। निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी का आशीर्वाद होगा तो मैं चुनाव में विजय श्री प्राप्त करके भोपाल में परसवाड़ा के लिए विकास क्या होता है उसकी बागडोर सरकार के साथ रह करके बताऊंगा। कंक्रीट रोजगार को विकास कहा जाता है। जनता विचारधारा चेंज कर रही है, जनता विचारधारा चेंज नहीं, जनता ऐसी भ्रष्टाचार विचारधारा से त्याग चाहती है। जनता इस वक्त त्रस्त है, जनता बहुत बुरे हाल में है। इनको जरूर लगता है ये अपनी एसी डीसी गाड़ी से निकलते नहीं हैं, और जाते भी हैं तो जनता से टकटकी लगाकर सोचती है कि मेरा ये काम हो जाए। मेरे को बहुत ही हास्यपद लगता है जब एक मंत्री जनपद का, जिला पंचायत का, सरपंच के हक को भी भूमि पूजन में अपने नाम पर नोट कराता है और वहाँ के जनप्रतिनिधि का नाम भी अंकित नहीं करता। ये प्रशासन भी नकारात्मक भूमिका अपना रहा है। निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी और जितने भी प्रशासनिक तौर पर नकारात्मक काम करने वाले हैं उनको सजा जरूर मिलेगी। और रहा सवाल, निष्पक्ष होकर प्रशासन को काम करना चाहिए। प्रशासन किसी का गुलाम नहीं होता, प्रशासन एक स्तंभ पढ़ लिख करके आता है और शासन को अपनी योजना के माध्यम से नेता जो भोपाल सदन में पास होती है उसके ऊपर कार्यवंतित करता है, ना कि उसमें 20% 30% का कमीशन खोर के साथ कार्य किया जाता है। रामकिशोर, बीजेपी ने दो टूटी निकाल दिए, कांग्रेस अगली कब तक निकालेगी? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। और रहा सवाल, कांग्रेस के अंदर हड़बड़ी छटपटाहट नहीं है। मैंने अभी तक बोला कि मुझे कब टिकट मिलेगी, निश्चित तौर पर टिकट उसको मिलेगी जिसने भूमि में काम किया है, जिसने जिसका वर्चस्व है, जिसको जनता चाहती है, हमारे जमीन पे जो कार्य करता है उसको टिकट मिलेगी। जन आक्रोश यात्रा में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, हीना कावरे, सम्राट सरस्वार, मधु भगत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। बालाघाट से फिरोज डोंगरी की रिपोर्ट।